एक शख्स ने गोली मारी, वकील की ड्रेस में आया था हमलावर। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट से ये मामला सामने आया है जहां पर फायरिंग हुई है। कोर्ट में फायरिंग का ये मामला बढ़ गया है। एक शख्स ने वकील की ड्रेस में आकर एक महिला पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है 25 लाख रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है जिसके शक में ये फायरिंग हुई है और कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई है। महिला घायल है, बुरी तरीके से घायल है। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज आरटीजीएस से वाइट में दे रखा था ब्याज पे। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे। बाद में एफआईआर हो गई थी, एफआईआर होने के बाद शायद उनकी बेल वेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है, आज फायर किया है। और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंस इनका सस्पेंड कर रखा था, हमने भी कर रखा था, मेंबरशिप को सस्पेंड कर रखा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा का, हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जितेंद्र, आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि जो इससे पहले वकील को हम सुनवा रहे थे वो कुछ जानकारी दे रहे थे, पर क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आरोपी की जो पहचान है वो कामेश्वर सिंह के रूप में हुई, जो कि इसी साकेत कोर्ट का एडवोकेट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड एडवोकेट है, जिसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। दरअसल उसके ऊपर एक लैंड ग्रैबिंग का मामला भी चल रहा था, तो इसको लेकर उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया गया था। आज सुबह की घटना है तकरीबन 10:15 बजे, जब एम राधा और अपने एडवोकेट के साथ लॉयर्स ब्लॉक के पास मौजूद थी, उसी दौरान ये जो कामेश्वर सिंह है वो एडवोकेट के भेस में पहुंचता और उसके बाद महिला के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 4 राउंड फायर करता है, जिसमें महिला को 3 गोलियां लगती है, 2 गोली पेट में जबकि 1 गोली उसकी बाजू में लगती है। उसके तुरंत बाद महिला को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट भी घायल हुआ है, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं उन ठिकानों पर दिल्ली पुलिस टीम बनाकर लगातार रेड कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है जो फायरिंग के बाद जो आरोपी है उसको पकड़ने की एडवोकेट्स ने कोशिश की थी, लेकिन जो कैंटीन का बैक डोर है वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शख्स ने महिला को गोली मारी है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आपके सामने रख रहे हैं। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका बताई जा रही। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग का ये मामला सामने आया है जहां पर एक महिला को एक शख्स ने गोली मारी, वकील की ड्रेस में आया था हमलावर। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट से ये मामला सामने आया है जहां पर फायरिंग हुई है। कोर्ट में फायरिंग का ये मामला बढ़ गया है। एक शख्स ने वकील की ड्रेस में आकर एक महिला पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है 25 लाख रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है जिसके शक में ये फायरिंग हुई है और कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई है। महिला घायल है, बुरी तरीके से घायल है। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज आरटीजीएस से वाइट में दे रखा था ब्याज पे। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे। बाद में एफआईआर हो गई थी, एफआईआर होने के बाद शायद उनकी बेल वेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है, आज फायर किया है। और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंस इनका सस्पेंड कर रखा था, हमने भी कर रखा था, मेंबरशिप को सस्पेंड कर रखा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा का, हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जितेंद्र, आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि जो इससे पहले वकील को हम सुनवा रहे थे वो कुछ जानकारी दे रहे थे, पर क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है?
जी बिल्कुल, देखिए आरोपी की जो पहचान है वो कामेश्वर सिंह के रूप में हुई, जो कि इसी साकेत कोर्ट का एडवोकेट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड एडवोकेट है, जिसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। दरअसल उसके ऊपर एक लैंड ग्रैबिंग का मामला भी चल रहा था, तो इसको लेकर उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया गया था। आज सुबह की घटनाएं तकरीबन 10:15 बजे जब एम राधा और अपने एडवोकेट के साथ लॉयर्स ब्लॉक के पास मौजूद थी, उसी दौरान ये जो कामेश्वर सिंह है वो एडवोकेट के भेस में पहुंचता और उसके बाद महिला के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 4 राउंड फायर करता है, जिसमें महिला को 3 गोलियां लगती है, 2 गोली पेट में जबकि 1 गोली उसकी बाजू में लगती है। उसके तुरंत बाद महिला को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट भी घायल हुआ है, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं उन ठिकानों पर दिल्ली पुलिस टीम बनाकर लगातार रेड कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है जो फायरिंग के बाद जो आरोपी है उसको पकड़ने की एडवोकेट्स ने कोशिश की थी, लेकिन जो कैंटीन का बैक डोर है वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शख्स ने महिला को गोली मारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपके सामने रख रहे हैं। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका बताई जा रही, कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को एक शख्स ने गोली मारी। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट से ये मामला सामने आया है, जहां पर फायरिंग हुई है। कोर्ट में फायरिंग का ये मामला बढ़ गया है। एक शख्स ने वकील की ड्रेस में आकर एक महिला पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है 25 लाख रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है, जिसके शक में ये फायरिंग हुई है और कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई है। महिला घायल है, बुरी तरीके से घायल है। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज आरटीजीएस से वाइट में दे रखा था ब्याज पे। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, बाद में FIR हो गई थी। FIR होने के बाद शायद उनकी बेल वेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है, आज फायर किया है। और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंस इनका सस्पेंड कर रखा था, हमने भी कर रखा था, मेंबरशिप को सस्पेंड कर रखा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा का, हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जितेंद्र, आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि जो इससे पहले वकील को हम सुनवा रहे थे वो कुछ जानकारी दे रहे थे, पर क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आरोपी की जो पहचान है वो कामेश्वर सिंह के रूप में हुई, जो कि इसी साकेत कोर्ट का एडवोकेट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड एडवोकेट है, जिसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। दरअसल उसके ऊपर एक लैंड ग्रैबिंग का मामला भी चल रहा था, तो इसको लेकर उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया गया था। आज सुबह की घटनाएं तकरीबन 10:15 बजे जब एम राधा और अपने एडवोकेट के साथ लॉयर्स ब्लॉक के पास मौजूद थी, उसी दौरान ये जो कामेश्वर सिंह है वो एडवोकेट के भेस में पहुंचता और उसके बाद महिला के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 4 राउंड फायर करता है, जिसमें महिला को 3 गोलियां लगती है, 2 गोली पेट में जबकि 1 गोली उसकी बाजू में लगती है। उसके तुरंत बाद महिला को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट भी घायल हुआ है, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं उन ठिकानों पर दिल्ली पुलिस टीम बनाकर लगातार रेड कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है जो फायरिंग के बाद जो आरोपी है उसको पकड़ने की एडवोकेट्स ने कोशिश की थी, लेकिन जो कैंटीन का बैक डोर है वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शख्स ने महिला को गोली मारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपके सामने रख रहे हैं। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका बताई जा रही, कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को एक शख्स ने गोली मारी। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट से ये मामला सामने आया है, जहां पर फायरिंग हुई है। कोर्ट में फायरिंग का ये मामला
बढ़ गया है। एक शख्स ने वकील की ड्रेस में आकर एक महिला पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है 25 लाख रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है, जिसके शक में ये फायरिंग हुई है और कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई है। महिला घायल है, बुरी तरीके से घायल है। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज आरटीजीएस से वाइट में दे रखा था ब्याज पे। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, बाद में एफआईआर हो गई थी। एफआईआर होने के बाद शायद उनकी बेल वेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है, आज फायर किया है। और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंस इनका सस्पेंड कर रखा था, हमने भी कर रखा था, मेंबरशिप को सस्पेंड कर रखा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा का, हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जितेंद्र, आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि जो इससे पहले वकील को हम सुनवा रहे थे वो कुछ जानकारी दे रहे थे, पर क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आरोपी की जो पहचान है वो कामेश्वर सिंह के रूप में हुई, जो कि इसी साकेत कोर्ट का एडवोकेट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड एडवोकेट है, उसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। दरअसल उसके ऊपर एक लैंड ग्रैबिंग का मामला भी चल रहा था, तो इसको लेकर उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया गया था। आज सुबह की घटना है तकरीबन 10:15 बजे, जब एम राधा और अपने एडवोकेट के साथ लॉयर्स ब्लॉक के पास मौजूद थी, उसी दौरान ये जो कामेश्वर सिंह है वो एडवोकेट के भेस में वापस था। उसके बाद महिला के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 4 राउंड फायर करता है, जिसमें महिला को 3 गोलियां लगती है, 2 गोली पेट में जबकि 1 गोली उसकी बाजू में लगती है। उसके तुरंत बाद महिला को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट भी घायल हुआ है, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं उन ठिकानों पर दिल्ली पुलिस टीम बनाकर लगातार रेड कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है जो फायरिंग के बाद जो आरोपी है उसको पकड़ने की एडवोकेट्स ने कोशिश की थी, लेकिन जो कैंटीन का बैक डोर है वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शख्स ने महिला को गोली मारी है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आपके सामने रख रहे हैं। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका बताई जा रही, कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को एक शख्स ने गोली मारी। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट से ये मामला सामने आया है, जहां पर फायरिंग हुई है। कोर्ट में फायरिंग का ये मामला बढ़ गया है। एक शख्स ने वकील की ड्रेस में आकर एक महिला पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है 25 लाख रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है, जिसके शक में ये फायरिंग हुई है और कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई है। महिला घायल है, बुरी तरीके से घायल है। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज आरटीजीएस से वाइट में दे रखा था ब्याज पे। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, बाद में एफआईआर हो गई थी। एफआईआर होने के बाद शायद उनकी बेल वेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है, आज फायर किया है। और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंस इनका सस्पेंड कर रखा था, हमने भी कर रखा था, मेंबरशिप को सस्पेंड कर रखा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा का, हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जितेंद्र, आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि जो इससे पहले वकील को हम सुनवा रहे थे वो कुछ जानकारी दे रहे थे, पर क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है?
जी बिल्कुल, देखिए आरोपी की जो पहचान है वो कामेश्वर सिंह के रूप में हुई, जो कि इसी साकेत कोर्ट का एडवोकेट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड एडवोकेट है, उसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। दरअसल उसके ऊपर एक लैंड ग्रैबिंग का मामला भी चल रहा था, तो इसको लेकर उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया गया था। आज सुबह की घटना है तकरीबन 10:15 बजे, जब एम राधा और अपने एडवोकेट के साथ लॉयर्स ब्लॉक के पास मौजूद थी, उसी दौरान ये जो कामेश्वर सिंह है वो एडवोकेट के भेस में वापस था। उसके बाद महिला के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 4 राउंड फायर करता है, जिसमें महिला को 3 गोलियां लगती है, 2 गोली पेट में जबकि 1 गोली उसकी बाजू में लगती है। उसके तुरंत बाद महिला को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट भी घायल हुआ है, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं उन ठिकानों पर दिल्ली पुलिस टीम बनाकर लगातार रेड कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है जो फायरिंग के बाद जो आरोपी है उसको पकड़ने की एडवोकेट्स ने कोशिश की थी, लेकिन जो कैंटीन का बैक डोर है वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शख्स ने महिला को गोली मारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपके सामने रख रहे हैं। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका बताई जा रही, कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को एक शख्स ने गोली मारी। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट से ये मामला सामने आया है, जहां पर फायरिंग हुई है। कोर्ट में फायरिंग का ये मामला बढ़ गया है। एक शख्स ने वकील की ड्रेस में आकर एक महिला पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है 25 लाख रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है, जिसके शक में ये फायरिंग हुई है और कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई है। महिला घायल है, बुरी तरीके से घायल है। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज आरटीजीएस से वाइट में दे रखा था ब्याज पे। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, बाद में FIR हो गई थी। FIR होने के बाद शायद उनकी बेल वेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है, आज फायर किया है। और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंस इनका सस्पेंड कर रखा था, हमने भी कर रखा था, मेंबरशिप को सस्पेंड कर रखा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा का, हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जितेंद्र, आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि जो इससे पहले वकील को हम सुनवा रहे थे वो कुछ जानकारी दे रहे थे, पर क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आरोपी की जो पहचान है वो कामेश्वर सिंह के रूप में हुई, जो कि इसी साकेत कोर्ट का एडवोकेट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड एडवोकेट है, उसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। दरअसल उसके ऊपर एक लैंड ग्रैबिंग का मामला भी चल रहा था, तो इसको लेकर उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया गया था। आज सुबह की घटना है तकरीबन 10:15 बजे, जब एम राधा और अपने एडवोकेट के साथ लॉयर्स ब्लॉक के पास मौजूद थी, उसी दौरान ये जो कामेश्वर सिंह है वो एडवोकेट के भेस में वापस था। उसके बाद महिला के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 4 राउंड फायर करता है, जिसमें महिला को 3 गोलियां लगती है, 2 गोली पेट में जबकि 1 गोली उसकी बाजू में लगती है। उसके तुरंत बाद महिला को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट भी घायल हुआ है, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं उन ठिकानों पर दिल्ली पुलिस टीम बनाकर लगातार रेड कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है जो फायरिंग के बाद जो आरोपी है उसको पकड़ने की एडवोकेट्स ने कोशिश की थी, लेकिन जो कैंटीन का बैक डोर है वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शख्स ने महिला को गोली मारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपके सामने रख रहे हैं। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका बताई जा रही, कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को एक शख्स ने गोली मारी। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट से ये मामला सामने आया है, जहां पर फायरिंग हुई है। कोर्ट में फायरिंग का ये मामला
बढ़ गया है। एक शख्स ने वकील की ड्रेस में आकर एक महिला पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है 25 लाख रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है, जिसके शक में ये फायरिंग हुई है और कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई है। महिला घायल है, बुरी तरीके से घायल है। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज आरटीजीएस से वाइट में दे रखा था ब्याज पे। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, बाद में एफआईआर हो गई थी। एफआईआर होने के बाद शायद उनकी बेल वेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है, आज फायर किया है। और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंस इनका सस्पेंड कर रखा था, हमने भी कर रखा था, मेंबरशिप को सस्पेंड कर रखा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा का, हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जितेंद्र, आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि जो इससे पहले वकील को हम सुनवा रहे थे वो कुछ जानकारी दे रहे थे, पर क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आरोपी की जो पहचान है वो कामेश्वर सिंह के रूप में हुई, जो कि इसी साकेत कोर्ट का एडवोकेट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड एडवोकेट है, उसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। दरअसल उसके ऊपर एक लैंड ग्रैबिंग का मामला भी चल रहा था, तो इसको लेकर उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया गया था। आज सुबह की घटनाएं तकरीबन 10:15 बजे जब एम राधा और अपने एडवोकेट के साथ लॉयर्स ब्लॉक के पास मौजूद थी, उसी दौरान ये जो कामेश्वर सिंह है वो एडवोकेट के भेस में वापस था, और उसके बाद महिला के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 4 राउंड फायर करता है, जिसमें महिला को 3 गोलियां लगती है, 2 गोली पेट में जबकि 1 गोली उसकी बाजू में लगती है। उसके तुरंत बाद महिला को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट भी घायल हुआ है, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं उन ठिकानों पर दिल्ली पुलिस टीम बनाकर लगातार रेड कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है जो फायरिंग के बाद जो आरोपी है उसको पकड़ने की एडवोकेट्स ने कोशिश की थी, लेकिन जो कैंटीन का बैक डोर है वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शख्स ने महिला को गोली मारी है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आपके सामने रख रहे हैं। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका बताई जा रही, कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को एक शख्स ने गोली मारी। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट से ये मामला सामने आया है, जहां पर फायरिंग हुई है। कोर्ट में फायरिंग का ये मामला बढ़ गया है। एक शख्स ने वकील की ड्रेस में आकर एक महिला पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है 25 लाख रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है, जिसके शक में ये फायरिंग हुई है और कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई है। महिला घायल है, बुरी तरीके से घायल है। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज आरटीजीएस से वाइट में दे रखा था ब्याज पे। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, बाद में एफआईआर हो गई थी। एफआईआर होने के बाद शायद उनकी बेल वेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है, आज फायर किया है। और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंस इनका सस्पेंड कर रखा था, हमने भी कर रखा था, मेंबरशिप को सस्पेंड कर रखा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा का, हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जितेंद्र, आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि जो इससे पहले वकील को हम सुनवा रहे थे वो कुछ जानकारी दे रहे थे, पर क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है?
जी बिल्कुल, देखिए आरोपी की जो पहचान है वो कामेश्वर सिंह के रूप में हुई, जो कि इसी साकेत कोर्ट का एडवोकेट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड एडवोकेट है, उसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। दरअसल उसके ऊपर एक लैंड ग्रैबिंग का मामला भी चल रहा था, तो इसको लेकर उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया गया था। आज सुबह की घटनाएं तकरीबन 10:15 बजे जब एम राधा और अपने एडवोकेट के साथ लॉयर्स ब्लॉक के पास मौजूद थी, उसी दौरान ये जो कामेश्वर सिंह है वो एडवोकेट के भेस में पहुंचता और उसके बाद महिला के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 4 राउंड फायर करता है, जिसमें महिला को 3 गोलियां लगती है, 2 गोली पेट में जबकि 1 गोली उसकी बाजू में लगती है। उसके तुरंत बाद महिला को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट भी घायल हुआ है, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं उन ठिकानों पर दिल्ली पुलिस टीम बनाकर लगातार रेड कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है जो फायरिंग के बाद जो आरोपी है उसको पकड़ने की एडवोकेट्स ने कोशिश की थी, लेकिन जो कैंटीन का बैक डोर है वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शख्स ने महिला को गोली मारी है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आपके सामने रख रहे हैं। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका बताई जा रही, कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को एक शख्स ने गोली मारी। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट से ये मामला सामने आया है, जहां पर फायरिंग हुई है। कोर्ट में फायरिंग का ये मामला बढ़ गया है, एक शख्स ने वकील की ड्रेस में आकर एक महिला पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है 25 लाख रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है, जिसके शक में ये फायरिंग हुई है और कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई है। महिला घायल है, बुरी तरीके से घायल है। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज आरटीजीएस से वाइट में दे रखा था ब्याज पे। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, बाद में FIR हो गई थी। FIR होने के बाद शायद उनकी बेल वेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है, आज फायर किया है। और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंस इनका सस्पेंड कर रखा था, हमने भी कर रखा था, मेंबरशिप को सस्पेंड कर रखा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा का, हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जितेंद्र, आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि जो इससे पहले वकील को हम सुनवा रहे थे वो कुछ जानकारी दे रहे थे, पर क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आरोपी की जो पहचान है वो कामेश्वर सिंह के रूप में हुई, जो कि इसी साकेत कोर्ट का एडवोकेट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड एडवोकेट है, उसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। दरअसल उसके ऊपर एक लैंड ग्रैबिंग का मामला भी चल रहा था, तो इसको लेकर उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया गया था। आज सुबह की घटनाएं तकरीबन 10:15 बजे जब एम राधा और अपने एडवोकेट के साथ लॉयर्स ब्लॉक के पास मौजूद थी, उसी दौरान ये जो कामेश्वर सिंह है वो एडवोकेट के भेस में पहुंचता और उसके बाद महिला के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 4 राउंड फायर करता है, जिसमें महिला को 3 गोलियां लगती है, 2 गोली पेट में जबकि 1 गोली उसकी बाजू में लगती है। उसके तुरंत बाद महिला को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट भी घायल हुआ है, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं उन ठिकानों पर दिल्ली पुलिस टीम बनाकर लगातार रेड कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है जो फायरिंग के बाद जो आरोपी है उसको पकड़ने की एडवोकेट्स ने कोशिश की थी, लेकिन जो कैंटीन का बैक डोर है वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शख्स ने महिला को गोली मारी है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आपके सामने रख रहे हैं। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका बताई जा रही, कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को एक शख्स ने गोली मारी। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट से ये मामला सामने आया है, जहां पर फायरिंग हुई है। कोर्ट में फायरिंग का ये मामला
बढ़ गया है। एक शख्स ने वकील की ड्रेस में आकर एक महिला पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है 25 लाख रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है, जिसके शक में ये फायरिंग हुई है और कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई है। महिला घायल है, बुरी तरीके से घायल है। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज आरटीजीएस से वाइट में दे रखा था ब्याज पे। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, बाद में एफआईआर हो गई थी। एफआईआर होने के बाद शायद उनकी बेल वेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है, आज फायर किया है। और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंस इनका सस्पेंड कर रखा था, हमने भी कर रखा था, मेंबरशिप को सस्पेंड कर रखा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा का, हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जितेंद्र, आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि जो इससे पहले वकील को हम सुनवा रहे थे वो कुछ जानकारी दे रहे थे, पर क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आरोपी की जो पहचान है वो कामेश्वर सिंह के रूप में हुई, जो कि इसी साकेत कोर्ट का एडवोकेट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड एडवोकेट है, उसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। दरअसल उसके ऊपर एक लैंड ग्रैबिंग का मामला भी चल रहा था, तो इसको लेकर उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया गया था। आज सुबह की घटना है तकरीबन 10:15 बजे, जब एम राधा और अपने एडवोकेट के साथ लॉयर्स ब्लॉक के पास मौजूद थी, उसी दौरान ये जो कामेश्वर सिंह है वो एडवोकेट के भेस में वापस था, और उसके बाद महिला के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 4 राउंड फायर करता है, जिसमें महिला को 3 गोलियां लगती है, 2 गोली पेट में जबकि 1 गोली उसकी बाजू में लगती है। उसके तुरंत बाद महिला को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट भी घायल हुआ है, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं उन ठिकानों पर दिल्ली पुलिस टीम बनाकर लगातार रेड कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है जो फायरिंग के बाद जो आरोपी है उसको पकड़ने की एडवोकेट्स ने कोशिश की थी, लेकिन जो कैंटीन का बैक डोर है वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शख्स ने महिला को गोली मारी है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आपके सामने रख रहे हैं। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका बताई जा रही, कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को एक शख्स ने गोली मारी। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट से ये मामला सामने आया है, जहां पर फायरिंग हुई है। कोर्ट में फायरिंग का ये मामला बढ़ गया है। एक शख्स ने वकील की ड्रेस में आकर एक महिला पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है 25 लाख रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है, जिसके शक में ये फायरिंग हुई है और कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई है। महिला घायल है, बुरी तरीके से घायल है। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज आरटीजीएस से वाइट में दे रखा था ब्याज पे। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, बाद में एफआईआर हो गई थी। एफआईआर होने के बाद शायद उनकी बेल वेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है, आज फायर किया है। और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंस इनका सस्पेंड कर रखा था, हमने भी कर रखा था, मेंबरशिप को सस्पेंड कर रखा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा का, हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जितेंद्र, आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि जो इससे पहले वकील को हम सुनवा रहे थे वो कुछ जानकारी दे रहे थे, पर क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है?
जी बिल्कुल, देखिए आरोपी की जो पहचान है वो कामेश्वर सिंह के रूप में हुई, जो कि इसी साकेत कोर्ट का एडवोकेट बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड एडवोकेट है, उसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। दरअसल उसके ऊपर एक लैंड ग्रैबिंग का मामला भी चल रहा था, तो इसको लेकर उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया गया था। आज सुबह की घटना है तकरीबन 10:15 बजे, जब एम राधा और अपने एडवोकेट के साथ लॉयर्स ब्लॉक के पास मौजूद थी, उसी दौरान ये जो कामेश्वर सिंह है वो एडवोकेट के भेस में वापस था और उसके बाद महिला के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 4 राउंड फायर करता है, जिसमें महिला को 3 गोलियां लगती है, 2 गोली पेट में जबकि 1 गोली उसकी बाजू में लगती है। उसके तुरंत बाद महिला को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट भी घायल हुआ है, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं उन ठिकानों पर दिल्ली पुलिस टीम बनाकर लगातार रेड कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है जो फायरिंग के बाद जो आरोपी है उसको पकड़ने की एडवोकेट्स ने कोशिश की थी, लेकिन जो कैंटीन का बैक डोर है वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शख्स ने महिला को गोली मारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपके सामने रख रहे हैं। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका बताई जा रही, कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को एक शख्स ने गोली मारी। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के साकेत कोर्ट से ये मामला सामने आया है, जहां पर फायरिंग हुई है। कोर्ट में फायरिंग का ये मामला बढ़ गया है, एक शख्स ने वकील की ड्रेस में आकर एक महिला पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है 25 लाख रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है, जिसके शक में ये फायरिंग हुई है और कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई है। महिला घायल है, बुरी तरीके से घायल है। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज आरटीजीएस से वाइट में दे रखा था ब्याज पे। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, बाद में FIR हो गई थी। FIR होने के बाद शायद उनकी बेल वेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है, आज फायर किया है। और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंस इनका सस्पेंड कर रखा था, हमने भी कर रखा था, मेंबरशिप को सस्पेंड कर रखा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा का, हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जितेंद्र, आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि जो इससे पहले वकील को हम सुनवा रहे थे वो कुछ जानकारी दे रहे थे, पर क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आरोपी की जो पहचान है वो कामेश्वर सिंह के रूप में हुई, जो कि इसी साकेत कोर्ट का एडवोकेट बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड एडवोकेट है, उसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। दरअसल उसके ऊपर एक लैंड ग्रैबिंग का मामला भी चल रहा था, तो इसको लेकर उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया गया था। आज सुबह की घटना है तकरीबन 10:15 बजे, जब एम राधा और अपने एडवोकेट के साथ लॉयर्स ब्लॉक के पास मौजूद थी, उसी दौरान ये जो कामेश्वर सिंह है वो एडवोकेट के भेस में वापस था और उसके बाद महिला के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 4 राउंड फायर करता है, जिसमें महिला को 3 गोलियां लगती है, 2 गोली पेट में जबकि 1 गोली उसकी बाजू में लगती है। उसके तुरंत बाद महिला को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट भी घायल हुआ है, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं उन ठिकानों पर दिल्ली पुलिस टीम बनाकर लगातार रेड कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है जो फायरिंग के बाद जो आरोपी है उसको पकड़ने की एडवोकेट्स ने कोशिश की थी, लेकिन जो कैंटीन का बैक डोर है वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शख्स ने महिला को गोली मारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपके सामने रख रहे हैं। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका बताई जा रही, कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को एक शख्स ने गोली मारी। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के साकेत कोर्ट से ये मामला सामने आया है, जहां पर फायरिंग हुई है। कोर्ट में फायरिंग का ये मामला
बढ़ गया है। एक शख्स ने वकील की ड्रेस में आकर एक महिला पर फायरिंग की है। बताया जा रहा है 25 लाख रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है, जिसके शक में ये फायरिंग हुई है और कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई है। महिला घायल है, बुरी तरीके से घायल है। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज आरटीजीएस से वाइट में दे रखा था ब्याज पे। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, बाद में एफआईआर हो गई थी। एफआईआर होने के बाद शायद उनकी बेल वेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है, आज फायर किया है। और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंस इनका सस्पेंड कर रखा था, हमने भी कर रखा था, मेंबरशिप को सस्पेंड। साकेत कोर्ट में फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आ गया। साकेत कोर्ट में मारी गई थी एक महिला को गोली। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने गोली मारी उसका इस महिला से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, 25 लाख के लेन देन का ये पूरा मामला था। लेकिन हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें इसलिए क्योंकि ये सब कुछ खुलेआम सरेआम सबके सामने साकेत कोर्ट कैंपस में हुआ। लैंड ग्रैबिंग का मामला भी चल रहा था, तो इसको लेकर उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया गया था। आज सुबह की घटना है, तकरीबन 10:15 बजे जब टाइम रहा था और अपने एडवोकेट के साथ लॉयर्स ब्लॉक के पास मौजूद थे, उसी दौरान ये जो कामेश्वर सिंह है वो एडवोकेट के भेस में वापस आता, उसके बाद महिला के ऊपर एक के बाद एक तकरीबन 4 राउंड फायर करता है, जिसमें महिला को 3 गोलियां लगती है, 2 गोली पेट में जबकि 1 गोली उसकी बाजू में लगती है। उसके तुरंत बाद महिला को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट भी घायल हुआ है, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें साकेत कोर्ट कैंपस में आज एक बार फिर जो कुछ हुआ उसने तमाम इंतजामों की, तमाम एडवोकेट्स ने कोशिश की, सिक्योरिटी इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली की अदालतों में इस तरह के गोली कांड हो चुके हैं। एक बार फिर साकेत कोर्ट में आज की जो घटना है ये दरअसल बता रही है कि अभी भी सुरक्षा इंतजाम कितने नाकाफी है, क्योंकि लोग 25 लाख रुपए के लेनदेन हथियार लेकर कोर्ट कैंपस में दाखिल हो जाते हैं और इस तरह की वारदात को सरेआम सबके सामने अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस शख्स ने जब इस महिला को गोली मारी तो वहां पर वकीलों की खासी भीड़ मौजूद थी, तफरी मच गई, हर कोई हैरान रह गया, लोग इधर उधर भागने लगे डर कर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, सफेद घेरे में हम आपको उस शख्स की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसने गोली मारी, और इसमें वो महिला भी नजर आ रही है जिसको गोली लगी है। फिलहाल इस महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में लाइव फायरिंग का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, 25 लाख के लेन देन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद था। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, तफसील से बताइए हुआ क्या है, किस वजह से गोली मारी गई, आरोपी अभी है कहाँ, उसको पकड़ लिया गया है? लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, कामेश्वर प्रसाद सिंह जी, बिल्कुल देखिए लाइव तस्वीरें, ये सीधा साकेत कोर्ट की, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से वकील के भेष में जो आरोपी है, जो हमलावर है कामेश्वर सिंह, वो पहले से मौजूद था और उसके बाद महिला को देखते हैं, इसने महिला के ऊपर एक के बाद एक 3 फायर किए। महिला लगातार बचने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार जो आरोपी है वो महिला के पीछे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही काफी बड़ी संख्या में वकील भी उस वक्त वहां मौजूद थे, जिन्होंने कोशिश की है पुलिस को कॉल करने और इसके अलावा आरोपी को पकड़ने की, लेकिन आरोपी हाथ में पिस्टल लिए हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। सुबह तकरीबन 10:15 बजे की घटना है, उस वक्त जो एम राधा है जो कि वसंत कुंज इलाके की रहने वाली है, वो कोर्ट के अंदर लॉयर्स ब्लॉक जो है उसके पास मौजूद थी अपने एडवोकेट राजेंद्र के साथ। बताया जा रहा है कि आरोपी कामेश्वर सिंह के साथ एम राधा जो कि घायल महिला है, इसका पिछले साल से एक पुराना विवाद चल रहा था, पैसों का लेन देन का विवाद था,
बिल्कुल उसी को लेकर आज तारीख थी कोर्ट के अंदर, जिस तारीख पर एमराधा पहुंची थी कोर्ट के अंदर, लेकिन आरोपी जो है जो हमलावर है वो पहले से कामेश्वर वहां पर मौजूद था, उसने महिला को देखते ही उसके ऊपर एक के बाद एक सिस्टम से फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि आरोपी की धरपकड़ की लगातार बाहर बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं उन ठिकानों पर दिल्ली पुलिस टीम बनाकर लगातार रेड कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है जो फायरिंग के बाद जो आरोपी है उसको पकड़ने के एडवोकेट्स ने कोशिश की थी, लेकिन कैंटीन का बैक डोर है वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शख्स ने महिला को गोली मारी है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका बताई जा रही, कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को एक शख्स ने गोली मारी। वकील की ड्रेस बिल्कुल देखिए, आरोपी की जो पहचान में कामेश्वर सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसका महिला से पुराना विवाद चल रहा था, 25 लाख रुपए के लेनदेन का पुराना विवाद था। आरोपी ने पिछले साल जुलाई में जो घायल महिला है उसके खिलाफ और एक एडवोकेट के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज करवाया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि हाई रिटर्न का वादा कर ये 25 लाख रुपए महिला से ठगे गए हैं। तो फिलहाल जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने के बाद आरोपी जो कैंटीन का बैक डोर है उसके फरार होने में हवाई फायरिंग करते हुए कामयाब हो गया। फिलहाल पुलिस इसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं जो उसके करीबी हैं लगातार उनके घरों पर उन ठिकानों पर रेड कर रही है। जी जितेंद्र, वहां तो सिक्योरिटी रहती है, पुलिस वाले भी रहते हैं, उस बीच वो सस्पेंडेड वकील वहां पहुंचता है और उसके हाथ में रिवॉल्वर भी रहती है, आसपास लोग भी हैं, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, दो फायर वो कर रहा है जैसे आवाज में सुनाई पड़ रही है। हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 बिल्कुल देखिए मैं चाहूंगा आपको एक बार जो कैमरा निरंजन ने आपको तस्वीरें दिखाई ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये एंट्री है साकेत कोर्ट की और आप देख सकते हैं मेटल डिटेक्टर वगैरह यहां पर लगे हुए हैं, पुलिस यहां पर तैनात है, बाकायदा चेक किया जाता है हर शख्स को आने जाने वाले को, उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जाए। हिम्मत नहीं दिखाता है महिला को बचाने की या फिर आरोपी को पकड़ने की, और आरोपी आराम से 3 फायर करके एक और फायर हवा में करता है, उसके बाद मौके से फरार हो जाता है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। और फिलहाल जो क्राइम स्पॉट है देखिए आरोपी भी तमाम और सबूत है वो फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा कर लिया है, लेकिन आरोपी की लोकेशन अभी तक पुलिस के ऊपर नहीं कर पाई। जितेंद्र हम देख रहे हैं इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, इस तरीके से खुलेआम कोर्ट में फायरिंग हो रही है, इसके बाद किस तरीके से आप देख रहे हैं पुलिस का एक्शन। ये जो कामेश्वर सिंह है वो एडवोकेट के भेस में पहुंचता है, उसके बाद महिला बिल्कुल देखिए फायरिंग के बाद पुलिस कर्मियों की बड़ी में तैनाती कोर्ट परिसर उनके अंदर कर दी गई है। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका भी इस्तेमाल यहां पर किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि जो वकीलों की शिकायत है उनका कहना है कि आए दिन इस तरीके की घटनाएं, चाहे वो मारपीट की हो कोर्ट परिसर के अंदर या फायरिंग करने की हो, वो दिल्ली के अलग अलग कोर्ट्स के अंदर देखी जा रही है। बावजूद इसके जब कोई वादा सामने आती है उस दौरान तो पुलिस चौकन्नी नहीं रहती है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर वही लचक रवैया देखने को मिलता है। आज भी जैसे तीन टक्कर सामने आया आसानी से जो आरोपी है पिस्तौल लेकर अंदर दाखिल हो जाता है कोर्ट परिसर के। बिल्कुल, और जितेंद्र देखिए सवाल भी यही है, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे भारी सुरक्षा होने के बावजूद, तमाम इंतजाम होने के बावजूद महिला को ऐसा लग रहा है कि आरोपी के सामने अकेला छोड़ दिया गया, महिला अपनी जान बचाकर भागती नजर आ रही है, आरोपी पीछे जाता है और धनाधन गोलियां मारता हुआ नजर आ रहा है। अभी महिला की ऐसी हालत है उसके बारे में कुछ पता चल रहा है, और इसके बाद क्या रिस्पॉन्स है, आरोपी को पकड़ने के लिए हो क्या रहा है?
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के साकेत कोर्ट से, ये मामला सामने आया है। देखा जा सकता है किस तरीके से जो वकील के वेश में जो आरोपी कोर्ट परिसर के अंदर पहुंचा था, वो अचानक से अपनी पिस्टल निकालता है, महिला के ऊपर पहले एक फायर करता है, उसके बाद महिला उससे बचने की कोशिश करती है, वो दीवार की तरफ भागती है कोने में, आरोपी आराम से पिस्टल लेकर उसके नजदीक जाता है, फिर उसके ऊपर एक फायर करता है, उसके बाद महिला सीढ़ी की तरफ आती है, सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आरोपी फिर महिला के ऊपर एक फायर करता है। तीन फायर महिला के ऊपर किए गए, दो गोलियां पेट में लगी महिला की और जबकि एक गोली महिला के हाथ में लगी है। उसके तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो जाता है, जिसके बाद जो आसपास जो भीड़ जमाती है एडवोकेट्स, वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, महिला को फिलहाल नजदीक के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि जो हालत है महिला की, जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये कोई पहली इस तरह की वारदात नहीं है। दिल्ली में इससे पहले भी कोर्ट कैंपसेस में घुसकर वारदातों को अंजाम दिया गया है, लोगों को गोलियां मारी गई हैं, सरेआम गोलियां चलाई गई हैं, और तब बड़ी बड़ी बातें भी की गई कि कोर्ट कैंपस में सुरक्षा और बढ़ाई जा रही है, उसके बावजूद फिर ऐसी घटना हो गई। फायर किया है और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट जी, बिल्कुल। देखिए, अब से कुछ दिन पहले आपको याद होगा जितेंद्र गोगी जो कि दिल्ली एनसीआर का टॉप मोस्ट गैंगस्टर था, उसकी हत्या दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के अंदर की गई थी, सरेआम वहां पर फायरिंग की गई थी, कोर्ट रूम के अंदर गोली उसके सर में गोली दागी गई थी, और उसके बाद बाकायदा आरोपियों का उसी जगह एनकाउंटर किया गया था। इसके अलावा रोहिणी कोर्ट में ऐसी कई और घटनाएं देखी गई, इसके अलावा साकेत कोर्ट के अंदर भी इस तरीके की वारदातें इससे पहले भी सामने आ चुकी है, द्वारका कोर्ट के अंदर भी आ चुकी है, कड़कड़डूमा के अंदर भी लगातार फायरिंग के मामले सामने। सवाल यही खड़ा होता है कि लगातार जो जो वकील है उनका यही कहना है कि तमाम शिकायतें करने के बावजूद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अभी भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। ये जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जो बड़ी खामियां है वो ये तस्वीरें उजागर करती नजर आ रही है। एक बार फिर से आप ये तस्वीर देखिए, किस तरह से जो आरोपी है, ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है। जो आरोपी है महिला के पीछे भाग रहा है, उस पर एक के बाद एक पांच गोलियां दागी गई, तीन महिला को गोली लगी जो करवाई गई। फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि एक एडवोकेट भी घायल हुआ है जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं उन ठिकानों पर दिल्ली पुलिस टीम बनाकर लगातार रेड कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है जो फायरिंग के बाद जो आरोपी है उसको पकड़ने की एडवोकेट्स ने कोशिश की थी, लेकिन जो कैंटीन का बैक डोर है वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शख्स ने महिला को गोली मारी है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। वकील की ड्रेस में आया था हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपके सामने रखते हैं। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका बताई जा रही। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई, तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग का ये मामला सामने आया है जहां पर एक महिला को, जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ये तस्वीरें वाकई दिल दहलाने वाली है। किस तरह से कोर्ट कैंपस के अंदर घुसकर इस शख्स ने एक महिला पर फायरिंग की धड़ाधड़, और कुछ गोलियां इस महिला को भी लगी। अस्पताल में फिलहाल इस महिला को भर्ती कराया गया है। साकेत कोर्ट में फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आ गया। साकेत कोर्ट में मारी गई थी एक महिला को गोली, बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने गोली मारी उसका इस महिला से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। 25 लाख के लेन देन का ये पूरा मामला था, लेकिन हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें इसलिए क्योंकि ये सब कुछ खुलेआम सरेआम सबके सामने साकेत कोर्ट कैंपस में हुआ। हमारे यहाँ एक लॉयर थे कामेश्वर प्रसाद सिंह एलियास मनोज सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज RTGS से वाइट में दे रखा था ब्याज पे। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, बाद में FIR हो गई थी। FIR होने के बाद शायद उनकी बेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें साकेत कोर्ट कैंपस में। आज एक बार फिर जो कुछ हुआ उसने तमाम इंतजामों की, तमाम सिक्योरिटी इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली की अदालतों में इस तरह के गोली कांड हो चुके हैं। साकेत कोर्ट में आज की जो घटना है ये दरअसल बता रही है कि अभी भी सुरक्षा इंतजाम कितने नाकाफी है, क्योंकि लोग तक पुलिस पहुंच पाई है।
हथियार लेकर कोर्ट कैंपस में दाखिल हो जाते हैं और इस तरह की वारदात को सरेआम सबके सामने अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस शख्स ने जब इस महिला को गोली मारी तो वहां पर वकीलों की खासी भीड़ मौजूद थी, अफरा तफरी मच गई, हर कोई हैरान रह गया, लोग इधर उधर भागने लगे डर कर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, एडवोकेट के साथ सफेद घेरे में हम आपको उस शख्स की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसने गोली मारी और इसमें वो महिला भी नजर आ रही है जिसको गोली लगी है। फिलहाल इस महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उसके तुरंत दिल्ली के साकेत कोर्ट में लाइव फायरिंग का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 25 लाख के लेन देन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद था। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, तफसील से बताइए हुआ क्या है, किस वजह से गोली मारी गई, आरोपी अभी है कहां, उसको पकड़ लिया गया है क्या? वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया। इस तमाम बिल्कुल देखिए लाइव तस्वीरें हैं, ये सीधा साकेत कोर्ट की, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से वकील के वेश में जो आरोपी है, जो हमलावर है कामेश्वर सिंह, वो पहले से मौजूद था। उसके बाद महिला को देखते ही उसने महिला के ऊपर एक के बाद एक तीन फायर किए। महिला लगातार बचने की कोशिश करती है लेकिन लगातार जो आरोपी है वो महिला के पीछे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही काफी बड़ी संख्या में वकील भी उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने कोशिश की है पुलिस को कॉल करने की और इसके अलावा आरोपी को पकड़ने की, लेकिन आरोपी हाथ में पिस्टल लिए हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। सुबह तकरीबन 10:15 बजे की घटना है। उस वक्त जो एम राधा है जो कि वसंतपुर इलाके की रहने वाली है वो कोर्ट के अंदर लॉयर्स ब्लॉक जो है उसके पास मौजूद थी अपने एडवोकेट राजेंद्र के साथ। बताया जा रहा है कि आरोपी कामेश्वर सिंह के साथ एम राधा जो कि घायल महिला है, इसका पिछले साल से एक पुराना विवाद चल रहा था, पैसों का लेन देन का एक विवाद था, उसी को लेकर आज तारीख थी कोर्ट के अंदर जिसको जिस तारीख पर एम राधा पहुंची थी कोर्ट के अंदर। लेकिन आरोपी जो है जो हमलावर है वो पहले से कामेश्वर वहां पर मौजूद था और उसने महिला को देखते ही उसके ऊपर एक के बाद एक पिस्टल से फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि अब आरोपी की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस उसके जारी संभावना बना रही है, वहां पर रेड कर रही है। उन्होंने हमारे यहां एक राजेंद्र एडवोकेट वकील जो है एफआईआर होने के बाद शायद उनकी बेल हो गई, तो उसके बाद उन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस लेडी पे ये फायर किया है और इनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके माहौल पूरी तरह से यहाँ पर खौफजदा हो गया और यहाँ पर सभी वकील तितर बितर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में एक महिला चीखती हुई भागती हुई दिखाई दे रही है। जितेंद्र शर्मा का हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। जितेंद्र, आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि जो इससे पहले वकील आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, पर क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आरोपी की जो पहचान है वो कामेश्वर सिंह के रूप में है। इसी साकेत कोर्ट का एडवोकेट बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड एडवोकेट है जिसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। जी बिल्कुल, देखिए आरोपी की जो पहचान है मैं कामेश्वर सिंह के रूप में हूँ। ये बताया जा रहा है कि उसका महिला से पुराना विवाद चल रहा था, 25 लाख रुपए का लेन देन का पूरा विवाद था। आरोपी ने पिछले साल जुलाई में जो घायल महिला है उसके खिलाफ और एक एडवोकेट के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज करवाया था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि हाई रिटर्न का वादा कर ये 25 लाख रुपए महिला से ठगे गए। फिलहाल जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने के बाद आरोपी जो कैंटीन का बैक डोर है उसके रास्ते से फरार होने में हवाई फायरिंग करते हुए कामयाब हो गया। फिलहाल उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं जो उसके करीबी हैं लगातार उनके घरों पर उन ठिकानों पर रेड कर रही है। जी बनाकर लगातार रेड कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है जो फायरिंग के बाद जो पुलिस वाले भी रहते हैं उस बीच वो सस्पेंडेड वकील वहां पहुंचता है वो वहां उसके हाथ में रिवॉल्वर भी रहती है, कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया। पुलिस यहाँ पर तैनात है, बाकायदा चेक किया जाता है हर शख्स को आने जाने वाले को, उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। सवाल यही खड़ा था कि आखिरकार इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कैसे जो आरोपी है वो पिस्टल लेकर अंदर पहुंचा, उसके बाद जब वो फायरिंग करता है वहां पर तमाम वकील एडवोकेट्स वहां पर मौजूद हैं, वो कोशिश भी करते हैं। अब
आवाजें भी वीडियो के अंदर सुनाई दे रही है कि महिला को बचाने की कोई कोशिश करो, कोई इसको पकड़ो, लेकिन कोई भी पिस्टल के सामने हिम्मत नहीं दिखाता है महिला को बचाने की या फिर आरोपी को पकड़ने की। और आरोपी आराम से तीन फायर करके एक और फायर उस हवा में करता है, उसके बाद मौके से फरार हो जाता है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। और फिलहाल जो क्राइम स्पॉट है वहां से जितने भी तमाम सुराग और सबूत है वो फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा कर लिए, लेकिन आरोपी की लोकेशन अभी तक पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई। जितेंद्र, हम देख रहे हैं इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, इस तरीके से खुलेआम कोर्ट में फाइल हो रही है। इसके बाद किस तरीके से आप देख रहे हैं पुलिस का एक्शन? हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी। बिल्कुल, देखिए फायरिंग के बाद पुलिस कर्मियों की बड़ी संख्या में तैनाती कोर्ट परिसर उनके अंदर कर दी गई है। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका भी इस्तेमाल यहां पर किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि जो वकीलों की शिकायत है उनका कहना है कि आए दिन इस तरीके की घटनाएं, चाहे वो मारपीट की हो कोर्ट परिसर के अंदर या फायरिंग करने की हो, वो दिल्ली के अलग अलग कोर्ट के अंदर देखी जा रही है। बावजूद इसके जब कोई वारदात सामने आती है उस दौरान तो पुलिस चौकन्नी रहती है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर वही लचर रवैया देखने को मिलता है। आज भी जैसे की घटनाक्रम सामने आया, आसानी से जो आरोपी हो पिस्टल लेकर अंदर दाखिल हो जाता है कोर्ट परिसर के अंदर और उसके बाद वारदात को अंजाम देता है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार कितनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद, मेटल डिटेक्टर होने के बावजूद कैसे आरोपी लेकर कोर्ट परिसर के अंदर। सवाल भी यही है, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे भारी सुरक्षा होने के बावजूद, तमाम इंतजाम होने के बावजूद महिला को ऐसा लग रहा है कि आरोपी के सामने अकेला छोड़ दिया गया। महिला अपनी जान बचाकर भागती नजर आ रही है, आरोपी पीछे जाता और धनाधन गोलियां मारता हुआ नजर आ रहा है। अभी महिला की कैसी हालत है उसके बारे में कुछ पता चल रहा है? और इसके बाद क्या रिस्पॉन्स है आरोपी को पकड़ने के लिए? हो क्या रहा है? ब्लॉक के पास मौजूद थी उसी दौरान ये जो कामेश्वर सिंह है वो एडवोकेट। जी बिल्कुल, देखिए इस लाइव वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो वकील के भेष में जो आरोपी तीन गोलियों के अंदर पहुंचा था, वो अचानक से अपनी पिस्टल निकालता है महिला के ऊपर, पहले एक फायर करता है, उसके बाद महिला उससे बचने की कोशिश करती है, वो दीवार की तरफ भागती है, आरोपी आराम से पिस्टल लेकर उसके नजदीक जाता है, उसके ऊपर एक फायर करता है, उसके बाद महिला सीढ़ी की तरफ आती है, सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आरोपी फिर महिला के ऊपर एक फायर करता है, तीन फायर महिला के ऊपर फायर के बाद दो गोलियां पेट में लगी महिला की और जबकि एक गोली महिला के हाथ में लगी है। उसके तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो जाता है, जिसके बाद जो आसपास जो भीड़ तमाम के एडवोकेट थी वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, महिला को फिलहाल नजदीक के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि जो हालत है महिला की, जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये कोई पहली इस तरह की वारदात नहीं है। दिल्ली में इससे पहले भी कोर्ट कैंपसेस में घुसकर वारदातों को अंजाम दिया गया है, लोगों को गोलियां मारी गई हैं, सरेआम गोलियां चलाई गई हैं, और तब बड़ी बड़ी बातें भी की गई कि कोर्ट कैंपस में सुरक्षा और बढ़ाई जा रही है, उसके बावजूद फिर ऐसी घटना हो गई। में हमले की आशंका जाहिर की जा रही है कोर्ट में चार राउंड। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ दिन पहले आपको याद होगा जितेंद्र गोगी जो कि दिल्ली एनसीआर का टॉप मोस्ट गैंगस्टर था, उसकी हत्या दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर की गई थी, सरेआम वहां पर फायरिंग की गई थी, कोर्ट रूम के अंदर गोली उसके सर में गोली दागी गई थी और उसके बाद बाकायदा आरोपियों का उसी जगह एनकाउंटर किया गया था। इसके अलावा रोहिणी कोर्ट में ऐसी कई और घटनाएं देखी गई, इसके अलावा साकेत कोर्ट के अंदर भी इस तरीके की वारदातें इससे पहले भी सामने आ चुकी है, द्वारका कोर्ट के अंदर भी आ चुकी है, कटरगुमा के अंदर भी लगातार फायरिंग और चाकूबाजी के मामले सामने आए। सवाल यही कि लगातार जो वकील है उनका यही कहना है कि तमाम शिकायतें करने के बावजूद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अभी भी अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। ये जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जो बड़ी खामियां है वो ये तस्वीरें उजागर करती नजर आ रही है। एक बार फिर से आप ये तस्वीर देखिए किस तरह से उनकी क्लाइंट जो आरोपी है, ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है। जो आरोपी है महिला के पीछे भाग रहा है, उस पर एक के बाद एक पांच गोलियां दागी गई, महिला को गोली लगी है जो कहा जाए। एफआईआर होने के बाद शायद उनकी बेलवेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है, और उनका पहले भी किसी से डिस्प्यूट चल रहा था, लैंड डिस्प्यूट, उसको लेके बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने लाइसेंसिंग का सस्पेंड कर रखा था, हमने भी कर रखा था, मेंबरशिप को सस्पेंड कर रखा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा का, हमारे साथ सीधे जुड़ गए। जितेंद्र, आरोपी के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि जो उससे पहले वकील को उनसे मिला थे वो कुछ जानकारी दे रहे थे, पर क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई?
जी बिल्कुल देखिए आरोपी जो पहचाने वो कामेश्वर सिंह के रूप में हुई जो कि इसी साकेत कोर्ट का एडवोकेट बताया जा रहा है कि सस्पेंडेड एडवोकेट जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये तस्वीरें वाकई दिल दहलाने वाली है। किस तरह से कोर्ट कैंपस के अंदर घुसकर इस शख्स ने एक महिला पर फायरिंग की धड़ाधड़ और कुछ गोलियां इस महिला को भी लगी। अस्पताल में फिलहाल इस महिला को भर्ती कराया गया है। साकेत कोर्ट में फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आ गया है। साकेत कोर्ट में मारी गई थी एक महिला को गोली। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने गोली मारी उसका इस महिला से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। 25 लाख के लेन देन का यह पूरा मामला था। लेकिन हैरान कर देने वाली यह तस्वीरें इसलिए क्योंकि ये सब कुछ खुलेआम सरेआम सबके सामने साकेत कोर्ट कैंपस में हुआ। कोशिश की थी लेकिन जो कैंटीन का बैक डोर है वो वहां से फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया था। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, शख्स ने महिला को गोली मारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपके सामने रख रहे हैं। 25 लाख रुपए के लेन देन में हमले की आशंका बताई जा रही। कोर्ट में 4 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग का ये मामला सामने आया है जहाँ पर एक महिला को एक शख्स ने गोली मारी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारत वर्ष पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें साकेत कोर्ट कैंपस में। आज एक बार फिर जो कुछ हुआ उसने तमाम इंतजामों की, तमाम सिक्योरिटी इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली की अदालतों में इस तरह के गोली कांड हो चुके हैं। एक बार फिर साकेत कोर्ट में बढ़ गया है। आज की ये जो घटना है ये दरअसल बता रही है कि अभी भी सुरक्षा इंतजाम कितने नाकाफी हैं, क्योंकि लोग ये पूरा मामला है हथियार लेकर कोर्ट कैंपस में दाखिल हो जाते हैं और इस तरह की वारदात को सरेआम सबके सामने अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस शख्स ने जब इस महिला को गोली मारी तो वहां पर वकीलों की खासी भीड़ मौजूद थी। अफरा तफरी मच गई, हर कोई हैरान रह गया। लोग इधर उधर भागने लगे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। मनोज सिंह सफेद घेरे में हम आपको उस शख्स की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसने गोली मारी, और इसमें वो महिला भी नजर आ रही है जिसको गोली लगी है। फिलहाल इस महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पैसे नहीं दे रहे। दिल्ली के साकेत कोर्ट में लाइव फायरिंग का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 25 लाख के लेन देन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद था। जितेंद्र